दोस्तों आज की वीडियो में लॉस फराड वेब सीरीज के बारे में बात होने वाली है जो कि अमेजोन प्राइम पर रिलीज हुई है हिंदी डब में। इस सीरीज में आपको टोटल 8 एपिसोड देखने के लिए मिल जाते हैं और सभी एपिसोड की लेंथ जो है 45 मिनट के आसपास की रहने वाली है। और दोस्तों अगर आप लोग ऐसी वेब सीरीज खोज रहे हो जिसमें अच्छा खासा एक्शन, एडवेंचर, थ्रिलर, क्राइम, ड्रामा, साथ में थोड़ी पॉलिटिशियन और वॉर टाइप की चीज हो तो दोस्तों ये वेब सीरीज आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। क्यों? और दोस्तों इस वेब सीरीज में आपको थोड़ी सी यूनिक स्टोरी देखने के लिए मिलती है, और वो यूनिक कैसे है मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। मनी हाइस्ट देखिए तो उसका पॉपुलर कैरेक्टर टोक्यो का जो बॉयफ्रेंड रहता है वो इस सीरीज में मेन रोल में रहने वाला है। और भाई उस बंदे ने जो एक्टिंग की है ना भाई, मजा आ जाएगा आपको वो देख के। दोस्तों स्टोरी ये है कि एक अनाथ लड़का है जो कि डांस सिखाता है, पर उस बंदे के सपने काफी ज्यादा बड़े हैं। एक दिन उसे एक लड़की मिलती है जो कि काफी बड़े परिवार की रहती है। दोनों में बातचीत होना स्टार्ट हो जाती है और दोनों काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं, पर उसे लगता है कि भाई लड़की वाले जो है काफ़ी ज़्यादा क्राइम वगैरह चीज़ें करते हैं, पर ऐसा नहीं होता। वो सारे के सारे उस बंदे को सारा का सारा बिजनेस समझा देते हैं। अब धीरे धीरे इस बंदे को जो है उस बिजनेस में इंटरेस्ट होने लगता है। अब वो काफ़ी आगे बढ़ जाता है उस बिजनेस में और लास्ट में जो है अपना जितने भी इसने पैसे बनाए थे उस बिजनेस से, काफ़ी ज़्यादा रिच हो गया था। उसके बाद वो सारे के सारे पैसे कैसे डूब जाते हैं, रहते हैं नहीं रहते, उस फैमिली का क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको सीरीज में देखने के लिए मिलेंगी। आप एक बार देखना स्टार्ट करोगे ना, आप सारे सारे एपिसोड देखते जाओगे। अब जैसे इस सीरीज को देखना स्टार्ट करोगे तो सारे सारे एपिसोड आपको देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि इसमें एक सस्पेंस है भाई। एक बंदा जो स्टोरी सुना रहा है, आप ये जानने में इंटरेस्ट रहते हो कि भाई आखिरकार इस बंदे के साथ आगे हुआ क्या, क्योंकि शुरू शुरू में सारी चीज़ें जो अच्छी अच्छी होती जा रही थी वो सारी चीज़ें बताता है कि उसने कौन से गलत फैसले लिए, उसे नहीं लेने चाहिए थे। और इसी चीज़ को जानने के चक्कर में आप सारी सीरीज देख। बात करो इस सीरीज के हिंदी डब की, भाई काफ़ी ज़्यादा सही, आपको थोड़ी भी कमी देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। साथ में सबटाइटल आपको देखने के लिए मिल ही जाते हैं। और बात करूँ कास्ट के, काफ़ी ज़्यादा सही है, सभी ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस सीरीज़ में सबसे अच्छी बात इस सीरीज़ की स्टोरी ही है भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टोरी है। यू शुड वॉच इट।